वेलकम टू अनुभव स्टडी एजी यूट्यूब चैनल पर। आज हम वीडियो लाए हैं समांतर माध्य माध्यिका बहुलक और परिसर की सवाल एकदम आसान तरीके से। अगर हमारा वीडियो आप देख रहे हैं तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पूरा सवाल लगाने के बाद हम आपको एक सवाल देंगे, उस सवाल को आप लगाएंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा आंसर इसका। आइए देखते हैं पहले समांतर माध्य। समांतर माध्य, फिर माध्यिका, फिर बहुलक, फिर परिसर, चार तरीके का मैं सवाल बताऊंगा। समांतर माध्य जो जिसे इंग्लिश कहते मीन सवाल है 0, 4, 6, 7, 5, 3, 4, 2, 7, 9, 2, 1, 2। अब इसको समांतर माध्य निकालना है तो इसको जोड़ देंगे। इसको जोड़ने के बाद कितनी संख्या है? 12 संख्या है। इसको जोड़ने के बाद इसको 12 से भाग दे देंगे। इसको जब 12 से भाग देंगे, इसको ये जोड़ेंगे तो इसको 48 होगा। 48 में 12 का भाग देंगे तो 4 बचेगा। इसका समांतर माध्य 4 हो गया। और माध्यिका मीडियन, इस टाइप का सवाल क्वेश्चन परीक्षा में ज़्यादा पूछा जाता है। ये सवाल है 0, 4, 6, 7, 5, 3, 2, 7, 9, 2, 1, 2। इसको बढ़ते क्रम में पढ़े लिख लेंगे। 1, 2, 3 बार है, 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, 6 है, 7 है और 9 है। इसको बढ़ती क्रम में लिख दिए, फिर इसमें माध्यिका ज्ञात करना है ना। इसको ये कितनी संख्या? 12। 12 में से 6 का भाग दे देंगे तो 12 में 2 का भाग देंगे तो 6 बचेगा। इसको निकालना 10, 12 है ना, सम संख्या है ना, तो इसका सूत्र होता है n/2 + n+1/2। इस टाइप से अगर 5 इधर से, 5 दाएं पक्ष से, 5 बाएं पक्ष से ले लेंगे तो बीच में 2 संख्या बचती है, 3 और 4। इसमें 2 संख्या तो 2 से भाग दे देंगे, 4, 3, 7, 7 में 2 का भाग देंगे तो 3.5 आएगा। और बहुलक, अगर हमारा वीडियो आप देख रहे हैं तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुलक मोड देखते हैं, मोड की सवाल 0, 4, 6, 7, 5, 3, 2, 7, 9, 2, 1, 2। इसमें बहुलक मतलब होता है जो सबसे अधिक बार आया हो, बहुत बार। इसके शब्द से ही 2 सबसे अधिक बार आया है, 3 बार, ताकि 2 मतलब इसका आंसर हो जाएगा। और परिसर की सवाल रेंज की सवाल बहुत आसान तरीके से आप लगा लेंगे। आइए देखते हैं रेंज की सवाल। परिसर बराबर होता है, रेंज की सवाल हो गई, परिसर बराबर होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या इसमें है 9, माइनस सबसे छोटी संख्या 0 है। इसमें बराबर 9 आ जाएगा इसका आंसर। और इस टाइप की जैसे दूसरा कोई सवाल दे दिया जाएगा, जैसे -5 है, फिर -3 है, -8 है, -7 है, -2 है, सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी होगी? सबसे बड़ी संख्या जो सबसे बड़ी होती है वो सबसे छोटी होती है, जैसे छोटी होती है सबसे बड़ी होती है। जैसे -2 सबसे बड़ी संख्या इसमें है और -8 सबसे छोटी है। सूत्र पे रखेंगे इसको, -++ हो गया -2। ये सवाल दोस्तों आप लगाकर कमेंट बॉक्स में आंसर इसका ज़रूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।